Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. Shiv Shakti ka milan punah sanyoga. Mite sab pira na rahe viyoga. Kailash gan it jhume gaaye. माता को भी सब देवी सजाए ब्रह्मा और विष्णु देव भी उपस्थिता महादेव से अपना भय प्रतीक्षा आज गजानन भी देखो हर्षाए माता पिता को जब हरिद्रा लगाए विवाह महादेव करें तो करें विवाह उससे हमें क्या पिताश्री महादेव महादेव का विवाह ही तो अस्त्र है हमारा जो हम असुरों को देवताओं से मुक्त कराएगा संसार की रक्षा छोड़ भोग विलास में लिप्त रहने वाले देवताओं से अपनी रक्षा के लिए श्रम करने के लिए विवश हो जाते हैं हम लोग इसका मूल कारण जानते हो त्रिदेव 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 क्योंकि त्रिदेव उन दुर्बल देवताओं की शक्ति बन जाते हैं किंतु अब इस विवाह की आड़ में देवताओं की शक्ति के स्रोत को ही छीन लेंगे हम और उन्हें मुक्त कर देंगे उनके दायित्वों से देवताओं के अनुचित धम को तोड़ेगा ये दंबासुर 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 किंतु पिताश्री असुर गुरु शुक्राचार्य इसकी अनुमति देंगे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उनकी वो असुर गुरु होकर भी महादेव के तप में लीन है वो हमारा मार्गदर्शन करने के योग्य नहीं हमें उनके सुझावों की आवश्यकता नहीं हम स्वयं अपना मार्ग नियत करेंगे और समस्त जगत पर अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे जो आज तक ना हो सका वो आप कैसे करेंगे पिताश्री बलवान है पराक्रमी है मायावी है किंतु दूरदर्शिता की कमी है मेरे पुत्रों में सुनो पुत्रों जब देवादिदेव महादेव विवाह के लिए दक्षिण में होंगे तो देवताओं का शक्ति स्थल कैलाश सुरक्षा से रिक्त होगा ऐसे शुभ अवसर पर हमें कहां होना चाहिए पुत्रो कैलाश 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 पर विजय पाते ही समस्त ब्रह्मांड पर आधिपत्य स्थापित होगा हमारा केवल हमारा महादेव महादेव को मात दूंगा मैं तो कैलाश से जाएंगे अवश्य किंतु लौट नहीं पाएंगे मैं कैलाश पर प्रतिष्ठित होकर देवताओं को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि सदैव स्मरण रहेगा उन्हें क्योंकि दंबासुर का दंभ ही उसकी शक्ति का स्तंभ है Thank you.
मूषक जी, अद्भुत। गणेश, प्रस्थान करने का समय हो गया है गणेश, और तुम अभी तक तैयार ही हो रहे हो। आप तो सज्जित भी हो गए भैया। गणेश, भला मुझे क्यों समय लगेगा, क्योंकि विवाह तो हमारे माता पिता का है ना। चलो अब शीघ्र चलें। हाँ भैया, चलते हैं। अब चलो भी गणेश, चलो आओ। जी, बुआ जी कहाँ है? स्त्रियों को सज्जित होने में अधिक समय लगता है गणेश। हाँ नाथ, अब किसी को तो बारात की शोभा बढ़ाने के लिए सुसज्जित होना होगा ना। आप सबका स्वागत है। सत्य कहा बुआ जी, आपका सौंदर्य अनुपम है। परंतु वर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उन्हें भी सज्जित होने में समय लग रहा है क्या? मैं तो कब से तैयार हूं नारायण। पिताश्री, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? पुत्र, मैं तो ऐसे ही तैयार हूँ। क्या आप विवाह में ऐसे ही भस्म लगा कर जाएंगे, इसी वेशभूषा में जाएंगे? हाँ पुत्र, पूर्व में देवी सती और पार्वती के साथ विवाह के लिए ऐसे ही गया था मैं। पिताश्री, इस बार तो कुछ परिवर्तन हो सकता है ना? मैं उचित कह रहा हूँ ना मामा जी? उचित है गणेश। महादेव, पूर्व में बारात लेकर तो आप ऐसे ही गए थे, परंतु वहां आपने अपना मनोरम रूप भी तो धारण किया था। हाँ, वो देवी मैना के कारण करने पर विवश हो गया था, किंतु इस बार तो रूप धरने का कोई कारण भी नहीं। नानी जी के कारण? हाँ पुत्र, तुम्हारी नानी ने जब इन्हें इस रूप में देखा तो सशंकित हो उठी और देवी पार्वती से इनका विवाह करने से मना कर दिया। परंतु मेरे आग्रह करने पर जब इन्होंने अपना दिव्य मनोरम रूप धारण किया, तब कहीं जाकर तुम्हारी नानी ने शादी के लिए हाँ कहा था। पिताश्री, हमें भी दिखाइए ना अपना दिव्य मनोरम रूप, हम उनसे वंचित क्यों रहे। हाँ पिताश्री, माँ भी आपका दिव्य रूप देखकर प्रसन्न हो उठेंगी। नहीं पुत्र कार्तिकेय, नहीं गणेश, मैं ऐसे ही जाऊंगा। हम पूर्व से ही विलंब हो रहे हैं, अब मैं वस्त्र परिधान में अपना और समय नहीं गंवा सकता। गणेश, प्रतीत होता है पिताश्री इतनी सरलता से नहीं मानने वाले। हाँ भैया, किंतु हम भी उनके ही पुत्र हैं, हम भी उन्हें विवश कर देंगे। इसका कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा। शीघ्र हमारी बुद्धि को कोई युक्ति अवश्य प्राप्त होगी। हाँ गणेश, जब तक पिताश्री अपने रेशमी वस्त्र और आभूषण धारण नहीं करेंगे, हम उन्हें विवाह मंडप में स्थिति नहीं होने देंगे। ऋषिवर अत्रि, देवी अनुसुईया। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम माता। आप पुनः भूल गए प्रभु,
वधु के विवाह का जोड़ा सुहाग सिंदूर मंगल आभूषण एवं फेरे लेते समय वधु के भाई के द्वारा जो धान के लावा का छिड़काव किया जाता है सभी वर पक्ष से ही आता है। धन्यवाद देवी। देवी अनुसुईया, अब महादेव की आरती कर इस बारात का मंगल आशीष कीजिए। कैलाश यात्रा प्रारंभ हो। शिव बाबा करें तैयारी कह के सक
सकल समान हो, दाहिने अंग त्रिशूल विराजे नाचे भूत शैतान हो। ब्रह्मा चल विष्णु चल लहके वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष ले चले श्री भगवान हो। और पंथन के चले पंबोला लिए भांग धतूर का गोला, बोले ये हरदम चले लड़का पराएंगे, अबूटी लगाएंगे बाल की सजाएंगे ना। शिव जी बिहाने चले बाल की सजाएंगे, अबूटी लगाएंगे बाल की सजाएंगे के चले पंबोला लिए भांग धतूर का गोला, बोले ये हरदम चले लड़का पराएंगे, अबूटी लगाएंगे बाल की सजाएंगे ना। शिव जी बिहाने चले बाल की सजाएंगे, अबूटी लगाएंगे बाल की सजाएंगे ना। असुर का धम बनेगा असुरों का विजय स्तंभ, कैलाश अब हमारा होगा। कैसी ध्वनि है वहां, सावधान रहना होगा मुझे। रुक जाओ, ये तो महादेव की बारात है जो इसी ओर आ रही है। इस पर आक्रमण करने में मुझे बहुत आनंद आता, किंतु थोड़ा धीरज रख, योजना सफल करनी होगी अपनी। इस समय इनके मार्ग से हटना ही उचित है। शीघ्रता से मेरे पीछे छिप जाओ। वो देखिए पिताश्री, माँ का भवन। अब हमारी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है उमा। मुझे कन्यादान का अवसर देने के लिए आपने महादेव से विवाह कर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है माँ। ये हमारा भी सौभाग्य है कि पुनः महादेव का विवाह देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है हमें। देख रूप माँ पार्वती का, हर्षित भय सब देवी देवता झूमे नाचे बाल की सजाएंगे, बबूती लगाएंगे बाल की सजाएंगे ला। ये
देखिए देवी पार्वती, महादेव बारात लेकर आ गए हैं। मुझे आपके पुत्र कुमार कार्तिकेय और गणेश भी दिखाई दे रहे हैं। देव, अब कैलाश पर मेरा अधिकार होने से कोई नहीं रोक सकता। तत्पश्चात समस्त सृष्टि पर आधिपत्य स्थापित करेगा ये धम्बासुर। धम्बासुर! अवसर का अनुचित लाभ लेने वाला बुद्धिमान नहीं अपितु मूर्ख होता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.